हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम हाँ वालेकुम सलाम। कौन सा? जी, मैं अफकू खान बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप सब कहाँ से आ गए? हाँ बोलिए, क्या बात है? हेलो हाँ बताइए जी, मौलाना साहब बोल रहे हैं? सज्जाद साहब, सबसे बात करना है। हाँ क्या सज्जाद भाई बोलना बोल रहे है? हैं? हाँ बोलिए। जी शेख, सब खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और सुनाएं भाई। कैसे कैसे फोन लगा दिया इधर? अरे भाई, थोड़ी मतलब भाई इल्मी बात करनी थी, 5 मिनट अगर आपके पास टाइम हो तो। एक चीज जानना था मैं। हाँ क्या बात है, काहे इल्मी बात करनी है? भाई, क्या बात है, इल्मी बात करने से पहले पता चला आपको मैं इल्मी बात करने के लायक हूँ या नहीं हूँ, या आप कौन नहीं हैं? वो तो बात मेरे करके पता तारीफ चलेगा ना मेरे भाई, अभी हम कैसे बताते हैं, दिल में गैस कोई नहीं मेरे। हाँ चल, लोग हैं ये मतलब मैदान में, एक नदीम जी हैं, एक नदीम है, दो 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 नदीम हैं, इसमें से एक अफू खान भी नाम सुना है, बहुत बक बक करते रहते हैं हमेशा फोन पे और जो है एक अरबी चलिए, अल्लाह का इबारत शुक्र पढ़ने है, में भी कम से अटक कम आप जाते हमें हैं। हाँ जानते तो हैं कि एक अफ्फू खान है, एक नदीम खान बस है, एक नदीम अलवी हाँ है। अल्लाह का शुक्र हाँ है, कम से कम हम लोग को लोग जान तो रहे हैं। हाँ हाँ बस यही तो है कि भाई बदनामी सही नाम तो जरूर हो जाएगा, इसीलिए नहीं आप लोग भाई, जो भी है भाई करके वो अपनी अल्लाह के दीन का शोहरत काम करता है, जगाते उसका रहते नाम हैं। दूर दूर तक हो ही जाता है। खैर चलिए, ये नहीं सब बात की बात नहीं की है। बदनामी सही नाम तो हो जाएगा कि चलो एक बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो नाम तो हो जाएगा। अब नहीं नहीं सभी सही बात साहब है के भाई, आदियों में बदनाम हमारा तो भाई नाम आ वो जाएगा, फिरौन भी दफलाना है, साहब लेकिन के नाम आदियों में किसी हमारा भाई नाम को आ फिरौन का जाएगा। है अरे ये सब चुप लोगों को ना? कितना हम लोग पहले ही जानते हैं, एक फोन से नाम से ही मालूम हो जाता है कि ये अफू खान और फफू खान के ये नाम ही लोग ऐसा नाम रखा यार। लीजिए भाई, अब आपने नाम ये क्या बिगाड़ना नाम का स्टार्ट कर मतलब क्या दिया, ये होता है, ये अप्पू अफू और खान का मतलब क्या पप्पू। होता है, ये भाई अल्लाह के नबी ने अफू कहा है खान का किसी क्या का नाम नाम होता नहीं है, ये बिगाड़ना चाहिए। नाम बिदात है, मौलाना किसी में तो सज्जाद बड़ा हो साहब, जाए। हाँ मौलाना सज्जाद साहब अब मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मेरा सवाल, कि अफू खान अरे ये सवाल नाम तो सुन सुन्नत लीजिए। है कि बिदात है, कैसा नाम है ये? अफ्फू खान मेरे भाई, ना तो ये सुन्नत है ना ही बिदत है, ठीक? बिदत में नहीं, अरे जो सुन्नत हो गया बिदत है, और कोई तो तीसरा रास्ता तो नहीं है ये ही नहीं नाम हमारे है यहाँ। मेरे भाई, अगर मैं कहूँ कि नहीं ये नाम अल्लाह के नबी ने रखा तो फिर ये हाँ बिदत कोई होगा ना, तो मैं तो कह नहीं रहा हूँ भाई। मैंने तो कहा बिदात नहीं है है कि या अफ्फू सुन्नत है, खान नाम ये पहले अल्लाह के बताइए। नबी का अफू था खान या नाम जो सहाबा है, का था अफू अफू का मतलब क्या है, या मानस औलिया क्या मतलब अल्लाह का बताइए। था? अफ्फू खान मेरा नाम है, बस बात खत्म अरे आखिर नाम का क्या है उसमें, नाम का तो कोई माना होना चाहिए ना। है। हमारे नबी ने बहुत सारे नाम को बदल दिया, हाँ उसका कोई माना है माना ना मेरे भाई, हो या माना है, कोई माना माना आपको खराब लास्ट में माना पता चल हो, जाएगा, तो कोई लास्ट माना में है क्या इंशाल्लाह इसका आपको पहले? पहले माना पता चल जाएगा अफ्फू खान का भाई माना क्या है। तो भाई नाम से ही पहले मुझको वहशत तो दीजिए, कैसा नाम है ये? ये आफत, आपने नाम सुना है आफत? आफत खान। आफत आती है ना, आफत कि लोगों पे हाँ आफत आ जाती है, तो हाँ भाई ये अप्पू का लोगवी अप्पू का माना क्या हुआ? माना, अप्पू एक मतलब भाई वो शॉर्ट फॉर्म है आफत का, ठीक है? मैं आफत हूँ, जो लोग बातिल हैं, जो लोग फितना मचाते हैं उनके लिए मैं आफत हूँ, अच्छा आफत आप बन के खाली आ जाता आफत हूँ, फैलाते रहते हैं ना, आफत को मैं हैं? खत्म कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी भाई वो आफतें होती हैं किताबों सुन्नत पे, मैं आफत उसको खत्म करने खत्म कर वाले? देता हूँ, अच्छा अल्लाह का अच्छा शुक्र है। अच्छा अच्छा आफत आप चलिए खत्म चाहे करते मौलाना हैं। सरदार साहब, अब आपकी अगर भाई ये बकबक खत्म हो गई हो तो मैं सवाल करूं भाई? नहीं, मैं पूरा पहले पहले आपका डिटेल भी जानना चाहता हूँ, आपकी नस्ल जानना चाहता हूँ, अल्लाह के आपका नबी, खानदान जानना चाहता अल्लाह हूँ, के कैसे कैसे नबी नाम है आपके। का जो आप लोग बर्थडे मनाते हो, आफत ईद खान का है, मिलादुन सुनिए नबी, सुनिए तो बताइए, आफत आप फैलाते रहते वो हैं तो कोई 12 अफू रबी का अव्वल को मतलब क्या होता मनाते हो है? ना आप लोग? अरे वो पहले पहले बताइए भाई, वो तो हम मनाते ही रहते हैं, सिवाय मनाते ईद के रहते हैं जहाँ क्या? भी डेली मनाते सभी तो रहते हैं क्या? खुशियां मना रहे हैं। भाई हाँ क्या डेली सिवाय मनाते ईद रहते हैं? के साल में जहाँ एक ही बार में तो मनाते होंगे सभी तो बर्थडे? खुशियां मना रहे हैं, अरे हर दिन खुशी मनाते हैं, नहीं, ये तो हर क्या दिन है? तो आपके वहाँ कोई ना कोई बिदत होती हाँ रहती है। तीजा आप हो, मातम चालीसवा मनाते हैं हो, ना ये? छठी हो, चिल्ला हो, कुंडे हो, अच्छा बरसी हो, बताओ। नियाज हो, हाँ अफू मन्नत खान, हो, आफत खान, मिलाद अरे हो, आफत आफत ये आपके यहाँ पूरा साल कुछ ना कुछ होता आफत रहता है। खान आफत खान अभी आफत आप पे खान पहले आफत आ रही है, आप बताओ, परेशान ना होइए, आपने उस अपनी दिन आफत को ही तुम्हारे बुला लिए लिया है मुझे आफत का छेड़ दिन होता है के। क्या? उस दिन मैं आपको इज्जत से इतनी फोन लोग कर रहा खुशी था मनाते सवाल हैं उस करने के दिन, लिए, लेकिन आपने आफत को अरे दावत दे दी है कि आफत आफत मेरे ऊपर रुक रहा लग हूँ, गया। आफत फैलाने का आपू कर बोले बताओ। हम अच्छा भाई, लोग अब आप ईद मिलादुन नबी इधर मनाते इधर हैं, आप ना खुशी मनाते भागिए, हैं,
उस दिन तुम गम मनाते हो, पहले बताओ, मातम मनाते हो? अरे मेरे भाई हम कुछ नहीं मनाते हैं, ठीक है? कुछ नहीं, कैसे कुछ नहीं मनाते? हमें दिली खुशी है लेकिन हम मनाते कुछ नहीं है, मनाते? अरे भाई क्या तुम गम मनाते हो, मातम मनाते हो, मनाते क्या हो फिर? अम्मा भाई कान में सांडे का तेल डाल लीजिए, मैंने कहा कि मुझे दिली खुशी है, अल्लाह के नबी की पैदाइश की मुझे दिली खुशी है, लेकिन इसको भाई वो मनाते मनाएगा, ये कोई त्यौहार नहीं होगा, वो गम मनाएगा नहीं, मनाए भाई क्यों मनाएंगे? एक इंसान दिल में खुश है, एक इंसान भाई वो दिल में भाई वो खुश है, जरूरी नहीं उसको ईद मना ले हम, एक त्यौहार मना ले हम, हमारे लिए जरूरी नहीं है ये। सुनो जी पहले भाई, हमारे सहाबा भी भाई खुश हुए थे अल्लाह के नबी की पैदाइश पे, लेकिन खुशी मनाई नहीं तो हम लोग भी नहीं मनाते हैं। अब भाई मैं सवाल करूँ अपना, मातम मनाते थे ये आप? अरे अल्लाह के बंदे, यही आप लोग के साथ खराबी, आप लोग क्या भाई ये मौलाना क्या भाई वो पेट भरने के लिए बने हो? आवाम को कुछ अच्छा, बताओ कि बोल दिया तो पहले मौलाना का मतलब क्या होता है पहले बताओ? अरे मौलाना का मतलब होता है, मौला का मतलब होता है मददगार होता है, तो आप तो मेरी मदद कर ही नहीं रहे हो, आपसे सवाल कर रहा हूँ जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो मौला अल्लाह ताला मौलाना है भाई, अरे अल्लाह ताला मौलाना है, लेकिन आपको भी अल्लाह ताला ने अगर थोड़ा बहुत इल्म अगर दिया है तो अपने इल्म से मेरी मदद कर दीजिए। अच्छा भाई सुन लीजिए मेरी सवाल, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जो भाई ईद मनाते हैं तो ये 8 रबीउल अव्वल को मनाते हैं ना? अरे 8 रबीउल अव्वल हो चाहे 12, हम लोग हर दिन मनाते हैं। अरे हर दिन नबी की पैदाइश के मतलब वो सालों साल होती रही थी क्या? डेली पैदा हुए थे? किस्तों में पैदा हुए थे क्या माशाल्लाह? इसी बार तो पैदा हुआ होंगे पर वो शुरू तो हमेशा है मनाने का, खास दिन जिस दिन। अरे मैं पैदाइश पूछ रहा हूँ अल्लाह के नबी की पैदाइश कब है? एक ही दिन तो पैदा हुए होंगे या डेली पैदा होते थे? अरे तुम्हारा इख्तलाफ बात होते रहते हैं वो तुम। अरे मैं इख्तलाफ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पैदाइश क्या है, आप लोग किस दिन उनकी पैदाइश मनाते हो? अरे भाई ये छुपा ढका चीज है, छुपी जगह चीज है ये, नहीं तो 12 रबीउल अव्वल को मनाते हो ना? सवाल कर रहे हो जैसे। अरे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे आलम में मनाया जाता है, पूरे आलम में मनाया जाता है ना? सही बात है ना, इंग्लिश के उस दिन मातम कोई नहीं मनाता है। हाँ जहाँ पे अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी वहाँ पे 12 रबीउल अव्वल को तो भाई पैदाइश नहीं मनाई जाती है, पूरे सऊदी अरब में अल्लाह के नबी की पैदाइश भाई नहीं मनाई जाती है, अमेरिका में नहीं मनाई जाती है, लंदन में नहीं मनाई जाती है, ईरान में नहीं मनाई जाती है, खाली इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, अच्छा इन तीनों जगह विदेशी लोग वो लोग मनाते हैं। खैर अच्छा, जो पूरी दुनिया का इल्म गायब रखते हो तुम भाई, जो बरेलवियों के जो आला हजरत हैं, जो इमाम हैं भाई, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की जो तारीख की पैदाइश है वो 8 रबीउल अव्वल है और यौम वफात जो है वो 12 रबीउल अव्वल है। तो आपके जब इमाम साहब भाई वो 8 रबीउल अव्वल कह रहे हैं तो 12 को आप कैसे मनाते हो? तुम कभी भी मातम मनाते रहो जी, तो मातम मनाया। अरे मातम मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मातम तो आप लोग मुहर्रम में करते हो, आप उसको छोड़ दो। अरे मौलाना सज्जाद साहब आपका जिन ना जागे मेरे भाई, मैंने आपकी धूम पे पैर नहीं रख दिया है, आप सुनेंगे कि नहीं अल्लाह के बंदे? एक पैदाइश का आप सुनेंगे कि नहीं अल्लाह के बंदे? ये आपका जिन जाग गया है अल्लाह के रसूल के पैदाइश का दिन? भाई मैं फोन काट दूँ, आप क्या चाह रहे हो कि मैं फोन काट दूँ? सऊदी का रियाल है रहा है तुम्हारा, अपना खर्चा करते रहो। अरे भाई सऊदी से इतनी चेड़ है तो अपनी अम्मा को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को सऊदी का है भेजते हो हज करने के लिए? अरे क्या वो लोग जहाज पे बैठने की लालची औरतें हैं क्या तुम्हारे वहाँ की? अरे सऊदी नहीं, तुम्हारे वहाँ की जो औरतें क्या वो लालच उनको जहाज पे बैठने का? तो क्यों जहाज पे बैठा के उसको सऊदी भेज देते हो? अरे सऊदी इतनी चेड़ है सऊदी 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 क्या उन खबीसों नजदियों की वजह से? तो फिर मेरे भाई तो सऊदी को गाली क्यों दे रहे हो मेरे भाई? एक तरफ वहाँ जाओ पे भी वहाँ खाओ पे भी वहीं के साथ नमक भाई को नमक हरामी करोगे निकले या नजदी वाला? देखिए कुछ लोग होते हैं नमक हराम टाइप के होते हैं, उनमें से आप लोग ठीक है, सऊदी से ही दीन आया है और सऊदी को गाली दोगे? तुम सऊदी में ही हमारे अल्लाह के नबी पैदा हुए वहीं को गाली दोगे? सऊदी में ही हमारे सहाबा लोग थे उन्हीं को गाली दोगे? यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर अल्लाह के नबी की भाई वो कबर है, उन्हीं को गाली दे रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी का सदका खाते हैं, नबी का गुण गाते हैं, जहाँ रहते हैं नबी की तारीफ करते हैं। अच्छा भैया सुन लीजिए, खुशियाँ मनाते हैं, तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, खुशियाँ मनाने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह के नबी के तरीके पे भी चलना पड़ेगा, अल्लाह के नबी की तारीफ को भी मानना पड़ेगा, अल्लाह के नबी की हदीस को भी मानना पड़ेगा। अरे रियाल करो फिर वही चीज, आपकी क्यों इतनी फट रही है मेरे भाई? सऊदी साहब को रियाल नहीं आता चंदा ईद मिलाद मनाने का?
आप लोग जो इकलौते नबी की जो पैदाइश मनाते हो, जयंती मनाते हो, तो रोड पे खड़े होके चंदा मांगते हो, भीख मांगते हो लोगों से, यहाँ नहीं चंदा देना ही पड़ेगा वरना आगे नहीं जाने देंगे, गाड़ी को रोक रोक के भीख मांग के, ठीक है, अल्लाह के नबी की भाई वो पैदाइश की भाई वो खुशियाँ मनाते हो, चंदा मांगते हैं, खैरात मिलती है ना, तो वही बता रहे हैं ना, खैरात पे तो तुम लोग मेरे भाई तुम्हारा पूरा दिन टिका हुआ तो तुम नहीं ना करोगे। अच्छा सुन लो मौलाना सज्जाद साहब, ए भाई टनाटन शेर, भाई टनाटन शेर टीटीएस भाई सुन लो, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो तारीख पैदाइश है वो 8 रबी अव्वल है और यौमे वफात 12 रबी अव्वल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके आला हज़रत कह रहे हैं फतावा रिजुला में, ठीक है, ये नंबर 26 सफा नंबर 412 और 413 में रियाल खत्म होते हैं। अहमद रजा खान लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की तारीख पैदाइश 8 तारीख है, 8 रबी अव्वल आफत खान, और जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और शैतान और इब्ने हजम और भाई मुहमेदी और जैबी रहीमुल्ला, इन सबका इज्मा बताया है, पहले एक एक लफ्ज पढ़ने आता है, इन सबका इज्मा बताया है, आपके आला हज़रत कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी की जो पैदाइश है 8 रबी अव्वल उसके ऊपर इज्मा है, तो 8 रबी अव्वल के ऊपर जब इज्मा है तो 12 रबी अव्वल को भाई ईद क्यों भाई, ये खुशियाँ क्यों भाई, ये तो दोगलापन हो गया ना, लफ्ज पढ़ने इबारत नहीं आती अरबी, अरे मेरे भाई अरबी का भी तुम्हारा जिन भगा दो, अली को अली क्यों कहते हैं, बाप को बाप क्यों कहते हैं, बताओ जरा, अलीब को अलीब क्यों कहते हैं, बाप को बाप क्यों कहते हैं, बताओ जरा, अभी अरबी का जिन तुम्हारा भगाता हूँ, रुको ये बताओ, तू ये कूंडे होता है, कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं, कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं, बताओ, अरबी है, कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं, जो तुम लोग कूंडे की नियाज करते हो, कूंडे की नियाज करते हो, ये कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं, बताओ जरा, फलाने ऐसा लिखा, अरे अल्लाह के बंदे के बहरे हो गए क्या, कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं, अरे वही बताओ ना तुम्हें, अरबी में बोलो तो बताओ ना, तुम बहुत बड़े अरबी के माहिर बन रहे हो ना, दूसरों के अरबी में कील काल कर रहे हो, खुद को आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करते हो और पेट भरने के लिए मौलाना बने हुए हो क्या, हर भाई वो चूंगा खाते हो, खिचड़ा खाते हो, बर्फी खाते हो, हलवा खाते हो, टिकिया खाते हो, इन्हीं सब में क्या खाने के लिए मौलाना बन गए हो, बात करते हो, इल्म नहीं है क्या तुम्हारे पास, रियाल खाली तुम लोग और सामने बात करोगे फेस टू फेस, बताओ सामने बात करोगे फेस टू फेस, रियाल जो है तुम फेस टू फेस बात करोगे, मुनाजरा करोगे फेस टू फेस, बताओ, अगर तुम बक बक नहीं करोगे, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ मौलाना सरदार टनाटन सुन्नी साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ फेस टू फेस बात करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन भाई फोन पे तो तुम नहीं सुन रहे हो, मोहब्बत रसूल आज जो सुन के सुन्नी होता है, जो सुन सुन के सुन हो चुका होता है वही टनाटन सुन्नी होता है, तुम लोग टनाटन हो, रगों को तुम लोग टनाटन हो, टनाटन भना भन तुम्हारे ऊपर पड़ती जा रही आफतें, अरे आफत, अरे ये तो बताओ खुद भाई तुम्हारी फेस टू फेस बात करने का दम है या फेस टू फेस भी भागोगे जैसे फोन पे भाग रहे हो, अपनी आफत खुद सवाल भी नहीं सुन रहे हो, कैसे जाहिल मौलाना हो यार, अरे तुम जाहिल क्या नकल करके पास हुए थे क्या मदरसे में, इल्म की तौहीन है बेखबीर, अरे यार मदरसे में नकल करके पास हुए थे, आता जाता कुछ नहीं है तुम्हें, सुनना अरे सुना ना तुम बोलना मेरे भाई, जो मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ कि 8 रबी अव्वल के ऊपर पैदाइश पे जब इज्मा नकल कर रहे हैं तुम्हारे आला हज़रत, तो 12 रबी अव्वल भाई ये जश्न क्यों, सोने का हार पहनाने से भी बदतर, अरे अरे मेरे भाई तुम भाई जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताऊँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ कबूतर के बारे में तुम जवाब दे रहे हो, कौवे के बारे में, अजीब अजीब पागल आदमी हो भाई तुम, बचपन से ही पागल हो या अभी मेरा फोन आने के बाद पागल हो गए हो, भाई तुम बचपन से ही पागल हो या मेरा फोन आने के बाद पागल हो गए हो, सोने मौलाना सज्जाद टीटीएस यानी कि टनाटन किया और टनाटन शिर्क, मेरे भाई मेरी बात सुन लो, जब आपके भाई वो मसलक के इमाम आला हजरत भाई जब वो इजमा बता रहे हैं कि 8 रबी अव्वल के ऊपर पैदाइश का इजमा है, तो फिर आप भाई ये 12 रबी अव्वल को काहे के लिए भाई वो जश्न मना रहे हो, आला हज़रत की मेरे भाई जितनी किताबें हमने पढ़ी है ना उसमें तुम्हारे खानदान में आज तक कोई ने ना देखी होगी ना पढ़ी होगी, किताब खोल करके
तुम्हें किताब खोल के सामने दिखाते रहते। अरे अल्लाह के बंदे, तुम सामने आओगे फेस टू फेस बात करोगे? बताओ, तुम्हारे पास जितनी किताबें हों आला हज़रत की सामने लियो, तुम्हारी खुद की घर की किताबों से साबित कर दूंगा कि आला हज़रत के नजदीक अल्लाह के नबी की पैदाइश की तारीख वो 8 रबीउल अव्वल है। तो जब 8 रबीउल अव्वल है तो 12 रबीउल अव्वल को जश्न क्यों, ईद मिलाद क्यों? अबे वही तो कह रहे हैं कि तुम सामने होते तब ना तुमको सफा नंबर। अरे जब तुम फोन पे नहीं भाग रहे हो, फोन पे तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली हुई आ रही है, तो सोचो मैं सामने आ जाऊंगा तब तो तुम भाग भी नहीं पाओगे। अभी तो हो सकता है तुम फोन काट के भाग जाओ। तुम हिजड़ों को कभी खाली फोन के अलावा कुछ आता ही नहीं। अरे इजमा मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे आला हजरत कह रहे हैं कि 8 रबीउल अव्वल के ऊपर इजमा है। अरे इजमा हो मतलब छोड़ना भी कभी कही थे, इजमा छोड़े दे रहा हूँ नाउज़ुबिल्लाह। अभी तक तो कहते थे कि हम मुकल्लिद हैं, हमारे 4 उसूल है, कुरान हदीस इजमा कयास। आज तुमने इजमा छोड़ दिया और अपने इमाम को भी छोड़ दिया, यानी कि तकलीद भी छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये बरेलवी लोग जो हैं पहले बिदत पर जमात की सरगना, वो लोग भाई वो तौहीद पे आ रहे हैं धीरे धीरे, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे अहले बिदत वाल जमात के जो पेशवा हैं आला हज़रत, उन्होंने लिखा है, सुन लो, तुम्हारे अहले बिदत वाल जमात के जो पेशवा हैं अहमद रजा खान भाई, वो लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की तारीख की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल है। भाई जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला, बिन सातून रजी अल्लाह ताला, ठीक है, और ज़ैबी रहमुल्ला, इन सबका इजमा बताया गया है। क्या तुम अपना रामायण पढ़ रहे हो? क्या बता दे, अबे रामायण पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे आला जब अपने किताब का इजमा पढ़ रहा हूँ। अपना रामायण पढ़ रहा है, किसका पढ़ रहा है, क्या पता? लो हवाला भी ले लो, नुक्तुल हिलाल अहमद रजा खान सफा नंबर 6 और सफा नंबर 12-13 और सुन्नी हिजबी कुतुब खाना फैसलाबाद की छपी हुई है। कोई दलील ही नहीं है। तुम्हारा मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं, कोई दलील तुम्हारी नहीं मानी जा सकती है। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह सुबहानो ताला कुरान में फरमाते हैं, अरे सुन लो, अरे अल्लाह के बंदे जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, सुनोगे नहीं? अरे खबीर तुम्हारा, अरे गाली बात मेरे भाई, दिन जाग के तुम्हारा आला जात की सुन्नत पे आ गए तुम्हारे। अरे तुम खबीसों का कुरान इल्म में है कि नहीं? मैं तुमसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि तुम्हारे आला हज़रत कह रहे हैं कि 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए अल्लाह के नबी, तो तुम 12 को क्यों मनाते हो? या तो तुम्हारा आला हज़रत भाई वो झूठा मक्कार था, या तो तुम लोग झूठे मक्कार हो, दो में से कोई एक ही झूठा मक्कार होगा। 8 मनाए 12 मनाए, क्यों 8 मनाए, क्यों 12 मनाए? तुम्हारे आला हज़रत जब कह रहे हैं 8 तारीख है तो तुम 12 को क्यों मना रहे हो? तुम्हें क्या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? दर्द क्यों हो रहा है पहले बताओ भाई, तुम्हें खुजली वाले कुत्ते ने काटा है या दौड़ाने वाले कुत्ते ने काटा है या भौंकने वाले कुत्ते ने काटा है या सियाही कुत्ते ने काटा है या आला हज़रत के आला कुत्तों ने काटा है? जब तुम 8 को छोड़ के 12 क्यों मना रहे हो? अरे 8 को छोड़ के 12 क्यों मना रहे हो? मनाएंगे। अबे खबीर सुनना, अरे 8 को छोड़ के 12 क्यों मना रहे हो? मनाएंगे 8 तारीख को तुम्हारे आला हज़रत कह रहे हैं कि तारीख भाई जो पैदाइश है वो 8 रबीउल अव्वल है। अरे खबीस की औलाद फतावा रिजविया जिल नंबर 26 सफा नंबर 412-413। अब बोलो जूता मार के तुमको दिखा दे 412 का जूता। अबे जूता तुम्हारे मुंह में डाल के पिछवाड़ा जो तुम्हारी दुबूर है ना उसमें से भी बाहर आ जाएगा, तो भी तुम साबित नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे आला हज़रत ने कहा हो कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद नबी मनाओ, क्योंकि तुम्हारा आला हज़रत खुद कह रहा है कि 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो 12 को कौन पागल तुमसे मनाने को कहे? कह रहे हैं कि तुम फोन पर बकबक कर रहे हो सामने। अरे सामने होते तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारी हलक में हाथ डाल के साबित कर देता कि तुम्हारे आला हज़रत कह रहे हैं कि 8 रबीउल अव्वल को मनाना चाहिए, 8 रबीउल अव्वल पैदा ही है। किसी मौलवी के सामने गया अभी तक? हमें तुम्हारे ऐसे झोला छाप मौलवी डेली आते हैं, डेली बेचारे दिखा के चले जाते हैं। झोला छाप रोड छाप, अबे झोला छाप तो लो, नकल करके पास लो, तुमको अपने मसलक का भी नहीं है, नहीं है। आला हज़रत तुम्हारे कहते हैं 8 तारीख को पैदा हुए और तुम कह रहे हो हम तो 12 को मनाएंगे पैदाइश, अबे क्या पागल आगल हो क्या? अरे नहीं, या तो तुम कह दो कि भाई तुम्हारा सीधा ये है कि अल्लाह के नबी भाई वो 2 बार पैदा हुए, 8 को भी पैदा हुए 12 को भी पैदा हुए, तुम्हारा आधे आधे के किस्तों में पैदा हो गए थे नौज़ुबिल्लाह।
अरे एक ही दिन तो कोई पैदा हुए डाल का होंगे, छाप नदी दोबारा को होगा। क्यों मना रहे हो? अरे मनाने का जो हम जब मनाए, अरे जब मना तुम्हारे पेट भाई में का दर्द दिन क्या तुम्हारे होता घर है? की बिल्कुल, खेती है, तुम्हारे बाप दादा की जागीर है कि जब तुम्हारा मुंह हमारे बन नदी जाएगा की, तुम बना लोगे? हम अपने नदी की पैदाइश की जब खुशी मनाए, अरे हम तो तो रोज तुम्हारा मिलाद नबी की मनाते पैदाइश हैं, रोज तुम्हारा ही हमारे यहाँ आला जद कह रहा है सभी कि के 8 रबी अव्वल जन्मदिन है, मनाया तो जाता आठ है। रबी अव्वल को क्यों नहीं देखो मना रहे हो? झूठे आदमी, मक्कार आदमी, कज्जाब आदमी, कभी धोखेबाज कभी आदमी। कहीं के हरामी कभी से ना अबे करते, हरामी बिल्कुल तुम हो, एकदम। तुम्हारी अम्मा ने हलाला अरे करके तुमको लोगों का पैदा किया नुतफा होगा, ठीक देना है? सब, तुम्हारे वहाँ नदियों भाई का के नुतफे हलाला से होता है पैदा ना, हुआ तीन सब। जाते हो ना तलाक के तो बाद जाओ अपनी अम्मा बहनों नदियों, को सुलाना, या तो दूसरों के माँ पास? बहने को ले जाते हो नदी में, नहीं नदियों से जा हमारे पास करके नज काम वज कराते का हमारे हैं, पास तुझे भैया, पैदा आपको होते तो हैं, तुझे एड्रेस ही जैसे नहीं लोग पता पैदा नज होते हैं। का। भाई ये नज है कहाँ, हमको हाँ नहीं वही मालूम। तो, हाँ जहाँ तुमको मालूम, अरे कहाँ तो तुम लगे, इधर वहीं से उधर की वहीं से बात पैदा क्यों होकर वहीं करते के हो, दूसरे से पैदा बदतलामी हुए। क्यों अबे करते हो, बदतमीजी क्यों करते हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने तुम की? जैसे अल्लाह के यार दुश्मनों, कैसे रसूल के मौलाना बन रहे हो दुश्मनों यार के भाई, लिए जितने कोई बरेलियों से बात प्यारी होती है सब जबान ताले नहीं। गाली मन बाज अब होते हैं। मन एक अहब नंबर के लिल्लाही सिंधी चोर। तो अब लिल्लाही व अरे अना हम अहले लिल्लाही व हदीस, आता लिल्लाही फकत अल्हम्दुलिल्लाह खत भाई वाले हम राजा ईमान। कमा भोज हैं, और तुम तुम अभी, बरेलवी लोग गंगू तेली हो, अरे और वाकई गंगू मन तेली बन के अहब जियोगे? लिल्लाही व अब लिल्लाही व अमना लिल्लाही आता लिल्लाही फकद इस्तकमल अल ईमान। हम तुमसे दोस्ती अगर करेंगे तो सिर्फ अल्लाह और रसूल की वफादारी के बुनियाद पर, और दुश्मनी करते हैं तो सिर्फ अरे तुम्हारे अल्लाह और रसूल की भाई तुम श्रद्धा कुरान की तो पढ़ बुनियाद लो, पर। लेकिन भाई और तुम ये जो जैसे कुरान है लोगों से तुम्हारी हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। कभी भी बेखबरी आप कहीं सुनो से, तुम मौलाना लोगों शब्बीर से साहब, कभी भी अरे मौलाना बात शब्बीर साहब नहीं कर सुन तो सकते, लीजिए, हमारे अरे नबी अल्लाह के के बंदे बारे में सुन तो तुमसे लीजिए, कभी भी इत्मीनान से दोस्ती बात कर ही कीजिए, नहीं ठंडे सकते। होकर बात कीजिए मेरे भाई, पानी अरे पी भाई लीजिए हम थोड़ा, ठंडे खड़े हैं, तुम कहीं हो भी तो भाई बैठ का जाइए, बैठे हो आ तो लेट करके जाइए, जितना भी और मुंह लेटे ठंडे हो हो जाओ, तो हम ठंडे हो आत्महत्या जाओ। कर लीजिए, मर जाइए, लेकिन कम से कम तमीज से बात कीजिए भाई। अरे जब तक भाई जिंदा है तमीज, थोड़ा तमीज से पेश आइए बदतमीजों से और भाई, जब खबीसों से तक तमीज जिंदा की है बात तब तक कर भाई रहा तमीज हूँ, से पेश आइए। ये मुंह मेरा मसूर सीधा की सवाल दाल। ये है कि अरे तुम्हारा कोई सीधा आपके सवाल मसलक है, के सामने इमाम आओ, कह रहे सामने हैं आओ, कि सामने अल्लाह के आओगे नबी तभी की तुम जो भाई वो तारीख है पैदाइश की वो 8 तारीख है, तो आप 12 को क्यों मना रहे हैं? या तो आपके जो आला हजरत हैं भाई वो झूठ बोल रहे हैं, या तो आप लोग झूठी पैदाइश अबे मना रहे हो। सारी बातें तुमको साबित करेंगे तो सामने रहो तब ना, अरे जूते मार के सामने मतलब ये दिखाएं। कौन सा उसूल है क्या ये तुम्हारे? फोन आला पर हजरत तुम ने कहा कैसे है कि साबित सामने करोगे, बात कैसे करना, साबित फोन पे करो बात ना तुम्हारे पास? करना, ये उसूल अरे कहाँ से खबीस तुम, बनाया? अबे खबीस, अरे सामने अबे रहो अबे बे, यार तब फिर ना भी चीज दिखाएंगे तुमको। अली पढ़ा नहीं बे पे पहले आ गए भाई, अबे तबे छोड़ दो, मौलाना हो अरे थोड़ा अबे तमीज लाओ करो अपने नहीं, अंदर, अबे ठीक है? अबे बोलने में पहले अलिफी आ रहा है खबीस, अबे अलिफ अबे से ज्यादा तुम ना करो, ठीक अबे है? पढ़ता ही नहीं तमीज है, से पढ़ा बोलो नहीं अल्लाह है। के बंदे, ठीक अरे है? तमीज, बदतमीजों से असल में तमीज की तुम्हारे बात भाई कर को रहे हैं। मजाक में लोगों को भाई ना तो अदब सिखाया जाता है, ना उनको अच्छे से बात करने हाँ की तालीम दी बिल्कुल, जाती है, बस उन लोग में दुश्मनों के इतना लिए सिखाया अच्छी जाता चाल है वाले कि कुफार तुम्हारे सुनो, मतलब की कोई भी हकीकत खोले बस तुम उसको बेखबरी वहाबी से कह के निकाल, उससे भाग जाना, मोमिन का सेवा बस है कोई भी अच्छे तुम्हारी चाल वाले हकीकत खोले कुफार, उसके ऊपर वहाबी समझ का गए? और तुम इबलीस का जैसे और 24 नंबर कुफार का के भाई वो लिए, फतवा यहूदो ठोक देना नसारा के और उससे भाग दोस्तों के जाना। लिए, यहूदो नसारा के दोस्त, आला ठीक है ना, हजरत आपके कहते हैं औलाद आठ के रबी लिए अव्वल को पैदाइश अल्हम्दुलिल्लाह है, हम मोमिन तो 12 रबी हमेशा अव्वल अच्छे को चाल आप वाले क्यों कुफार मनाते हैं? बनेंगे। और अभी आपने कहा कि हमारी जब मर्जी आएगी हम बनाएंगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हाँ हूँ क्या दीन आपके बाप की जागीर है क्या जो आप अरे कभी भी मना देंगे? तुम कब आपकी अम्मा मना दो दहेज ना में दीन को मनाओ लेके ना, आई थी क्या जो आपकी जब मर्जी आएंगे अल्लाह के नबी की पैदाइश मना लेंगे? अरे बनाओ मनाओ, तुम कब मनाते हो, तुम कब मातम मनाते हो, अरे कब ये खुशी बताओ मनाते हो, मुझे अल्लाह के बताओ। बंदे, क्या दीन तुम्हारी अम्मा दहेज में लेके आई थी या तुम्हारे घर की खेती है? तुमने अरे ये तुम कहा कैसे नजदियों, कि जब हमारी मर्जी होगी हम तुम्हारी कुछ भी मना ईमान है लेंगे? नजदियों से जो दीन लेकर आया ना, वही अरे तो दीन जब तुम 8 रबी जीता है ना अव्वल को नजदियों के तुम्हारे आला नुस्खे, हजरत कह रहे हैं कि पैदाइश है, तो यहूदियों 12 रबी अव्वल को तुम लोग क्यों के मना रहे हो? गुलाम, यहूदियों के ट्यूशन पागल हो, दिमाग नाम चलाने की चीज नहीं वाले। है क्या तुम्हारे अंदर? अरे सुनो अब मैं पहले, तुमसे तुम आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें यहूदियों सवाल के का नुस्खे जवाब हो देना ना, है या मैं फोन यहूदियों पर ही काटूं? मिशन चला रहे हो, तुम्हें ये सवाल का पहले जवाब बताओ। देना है या मैं अपना फोन काटूं? यहूदियों के नुस्खे, यहूदियों चलो के हम समझ गए जिसम तुम पर बहुत बड़े काम जाहिल हो, कर तुम रहे हैं, इधर इधर की सारे बात करते नजदी, रहोगे लेकिन सारे कभी भी किसी वहाबी, टॉपिक पे सारे इल्मी अंदाज यहूद से बात जितने तुम नहीं मुहावरे हैं, करोगे, खबीर कहीं तुम्हारे दम हो सब के तो सब फेस टू फेस यहूदियों बात के कर मुंह लेना, चला ठीक रहे है? हैं, और ओके तुम भाई, लोग उसके एजेंट शब्बीर बन करके भाई यही बकवास करते फिर रहे हो, सारी सलाम कौन को। अबे मौलाना शब्बीर, खबीर तुमसे, सलाम हाँ अलैका बिदती भाई, सलाम लानतुल्लाहि अलैका टनाटन टनाटन सिया भाई, अलैका, सलाम अलैका बरेलवी भाई, सलाम लानतुल्लाहि अलैका अरे बिदती बरेलवी, सलाम अलैका, अलैका अहले बिदत वल अलैकुम जमात, लानतुल्लाहि सलाम तुम्हें कुफार अलैका।